नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मुझे आपसे एक सवाल करना था कि जी जी आजकल जैसे कि जुकाम का बहुत सीजन चल रहा है बारिश की वजह से, तो इसमें क्या करना चाहिए जिसमें गला भी साफ रहे हमारा और जुकाम भी ना हो हमें? ठीक है जी। देखिए, एक तो ये है कि जुकाम हुआ, डॉक्टर से दवा ली, ठीक हो गए, एंटी एलर्जी दवा ली, एलोपैथिक, ठीक हो गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी को इत्तेफाक से हो जाए तो वही इलाज करें। लेकिन किसी को अगर लगातार जुकाम बरसात में, सर्दी में, गर्मी में अगर ऐसा रहता है, तो फिर वो नुस्खा बहुत अच्छा है। सपिस्तान जिसे कहते हैं, दवा का नाम है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, इनको पाउडर बना लें और गुठलियाँ निकाल लें। इसका पाउडर अगर आपने बना लिया तो ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। रॉ मटेरियल हैं, अच्छे और सच्चे लें, नकली ना लें। इसको आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं घर में बड़े हैं, तो इस पाउडर को जितना ये पाउडर हुआ उतने ही शहद में मिला दें, ये सेफ भी हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, 2-3 साल के लिए ख़राब नहीं होता। फिर एक चम्मच, आधा चम्मच, उनकी बच्चों की उम्र के अनुसार दिन में एक बार या दो बार गर्म पानी से दें और खट्टी चीज़ें, बाहर की चीज़ें बंद कर दें। तो ये मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में, दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है।